रामपुर उत्तर प्रदेश में नगरपालिका एईओ डॉक्टर विवेकानंद गंगवार के नेतृत्व में नगरपालिका से सहवाद गेट रोड पर बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी योजना के तहत और व्यापार मंडल से बिना सहमति के बाजारों में जाकर जेसीबी का प्रयोग किया। आज दोपहर 2 बजे सहवाद गेट रोड पर विधिवत लोहे की फोल्डिंग फ्लैट को जबरन जेसीबी से तोड़ना शुरू कर दिया। लगातार लगभग 50 दुकानदारों को अपनी तानाशाही से अत्यधिक ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, जिसकी दहशत से विरोध शुरू हो गया। पूरे क्षेत्र का बाजार में आनन फानन में बंद हो गया, जहां सूचना मिलने पर सर्वप्रथम उद्योग व्यापार के प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी अपने धारी भरकम के पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गए और ईओ से बात कर तबाही मशीन को रुकवा कर वापस किया है। साथ ही सूचना मिलने पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष शैलन शर्मा भी अपने साथ मोहम्मद साहिद शमसी, सोहब खान आदि साथियों के साथ मौके पर पहुंच गए और फिर साथी एकजुट होकर नगर पालिका के गेट पर धरने पर बैठ गए, जिसकी सूचना मिलने पर शहर सिविल लाइन पर ज्वाला नगर के कोने कोने में सभी पदाधिकारी बहुत तेजी से मौके पर पहुँचना शुरू हो गए, जिससे आंदोलन चलता गया और प्रशासन की ओर नगर मजिस्ट्रेट हेम सिंह व सीओ सिटी अरुण चौधरी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने व्यापारियों से वार्ता की। व्यापारियों की नाराजगी की वजह तो समझा उनको, उपरांत उन्होंने नगरपालिका कर्मचारियों की गलती को स्वीकार किया। व्यापारियों के नुकसान की भरपाई आश्वासन दिया गया और साथ ही नगरपालिका द्वारा तानाशाही वाह जुर्म से जब्त होकर इसके व्यापारियों को वापसी कराए गए हैं। पूरे प्रकरण में 11 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की मौजूदगी ने दोषियों पर कार्यवाही की बात कही, जिससे व्यापार मंडल की ओर से 6 पदाधिकारी शामिल रहे। इस अवसर पर सरदार रविंद्र सिंह टोनी, सरदार मनजीत सिंह सिंपल, सरदार सतपाल सिंह टीटू, इमरान सलीफ, सलविंदर विराट में पोजिशन, हरीश समसीन, सुरेश यादव, मोहसिन खान, गुलजार अहमद, सीरू खान, प्रदीप खंडेलवाल, करण जैन, अतुल शर्मा, शुभम अरोरा आदि लोग उपस्थित रहे। जी साहब, आज उद्योग व्यापार मंडल के जैसी जानकारी मिली कि दोपहर 2 बजे व्यापारी समाज पर तबाही हो रही है, व्यापारी समाज की दुकानों पर जेसीबी लेकर तोड़ फोड़ करी जा रही है, नगर पालिका ईओ ने पुलिस बल साथ में लेकर नगर व्यापारियों के दुकानों के आगे जो लोहे के स्लेब जो वो भी फोल्डिंग, किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं, 1% का कोई अतिक्रमण नहीं, और वह तोड़ना शुरू कर दिया अपनी तानाशाही से। उनके पास कोई लेडीज महिला की कोई महिला इंस्पेक्टर थी नगर पालिका की, उन्होंने गंदे अभद्र भाषा का प्रयोग किया। नगर पालिका ईओ बार बार लाठीचार्ज कराने की धमकी दे रहे थे, बार बार गोली चलवा देने की धमकी दे रहे थे। इस बात का हमने विरोध किया और हमने जाने के बाद उनकी ये मुहिम को रोका। लगभग 50-60 दुकानदारों को उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। हमारे व्यापारी धरने पर बैठ गए और धरने पर बैठकर नारेबाजी हो गई, प्रदर्शन हो गए। जैसी सूचना मिली शहर रामपुर में ज्वाला नगर, सिविल लाइन, जेल रोड, पीला तालाब, पुराना गंज, पहाड़ी गेट, सब तरफ से व्यापारी इकट्ठा होना शुरू हो गया। पूरे शहर में बाजार बंद होने की अफवाहें फैलनी शुरू हो गई। अगर इसी मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी पहुंच गए, अगर सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट नहीं आते तो आज हालात बिगड़ जाते और पूरे रामपुर का बाजार बंद हो जाता, अनिश्चितकालीन बंद होता। अनिश्चितकालीन बंद होता और ऐसा अनिश्चितकालीन बंद होता कि 3 दिन लगातार बाजार में चाय का खोका नहीं खुलता। व्यापारी भी अपनी मान मर्यादा के लिए लाठी डंडे खाने को तैयार थे, क्योंकि ये वो बार बार लाठी जलवा देने की धमकी दे रहे थे। हमारे व्यापारी को, निर्दोष चाय के व्यापारी को उन्होंने उठा करके थाने बंद करवा दिया। कितनी शर्म की बात है, व्यापारी को थाने बंद करवा दिया। हम जब पहुंचे और हमने ऐसे कोतवाली से बात की है, तब जाकर के व्यापारी को हमने थावलात से बाहर कराया है। इन्होंने हमारे व्यापारी को बंद करवा दिया, व्यापारी की जबरन दुकानें तोड़ दी, उनके शटर तोड़ दिए, उनके चैनल तोड़ दिए। अरे भाई, नाली के पीछे स्लेब है, चैनल लगा है, नाली के पीछे शटर है, तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन इतनी बड़ी जुल्म जाती, जैसे आज उनका दिमागी बहुत ज्यादा हाई परिवेशन में, तानाशाही अफसरशाही की सारी हदें पार हो गई थी। इस मामले को लेकर पूरे जिले में प्रदर्शन था। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से मांग थी कि अगर ये आंदोलन खत्म नहीं होता तो ईओ के निलंबन तक हम लोग बैठते और हमारा आंदोलन जारी रहता, लेकिन नगर मजिस्ट्रेट पहुंचकर और सीएफटी ने वहां पर बैठकर वार्ता की और जो ईओ नगर पालिका ने गलती करी थी उस बात का उन्होंने एहसास किया और गलती की स्वीकार की और भविष्य में किसी प्रकार की भी जाति ना होने का आश्वासन दिया है। साथ ही जो नुकसान व्यापारी समाज का हुआ है, नगर मजिस्ट्रेट महोदय ने वायदा किया है उस नुकसान को नगर पालिका के कोटे से पूरा कराया जाएगा, उनके नुकसान की भरपाई होगी। जो सामान हमारे व्यापारियों का जब्त किया था, लोहे के जंगले तोड़ लिए, लोहे के ग्रिल तोड़ लिए, लोहे के स्लेब तोड़ लिए गए थे, वो सारे के सारे नगर पालिका में जब्त करके ट्राली भरवा के जो नगर पालिका लाई थी, वो सारे का सारा सामान व्यापारियों को